इसलिए जब भी नुकसान होता है हमेशा हमारी बढ़ोतरी के लिए होता है। आमेन, हालेलुया। पर अगर आप आत्मिक हो तो आप समझोगे, अगर आप शरीर में हो तो आप सोचोगे नुकसान हो गया। हम तो कुछ भी हो हमेशा एक ही चीज का अंगीकार करते हैं कि सब कुछ अच्छा है। बोलो क्या है, कुछ भी हो, क्योंकि जब बाइबल पवित्र वचन हमारे हृदय के अंदर रहेगा तुम कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि यह गलत हो गया। क्या हो गया, कभी भी हम कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि गलत हो गया, नुकसान हो गया, ओ आज तो बारिश आ गई, क्या आ गई है। मैं अभी प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर जानता है तू, हमारे पास तो शत नहीं है, हम तो टेंट में क्या करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर जैसे कोड़ी ने आकर तुझे कहा कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तो प्रभु ने भी कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर तू चाहे, क्या चाहे, तू चाहे तो यहां पे एक भी बूंद नहीं गिर सकती चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो। सुनो सुनो सुनो, पर मैंने साथ में ये भी प्रार्थना की जैसे यीशु ने कहा हो सके तो ये मौत का प्याला टल जाए, क्या टल जाए, हो सके तो ये मौत का प्याला टल जाए पर तेरी इच्छा क्या हो पूरी हो। क्योंकि हम हमेशा किसकी इच्छा को, किसकी मर्जी को पूरा करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने विश्वास किया, हमने प्रार्थना की। कई कई लोग बुद्धि से कुछ चीजें करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी चीज अपनी बुद्धि से मत करना, समझे हो। इसलिए मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं हमेशा कि तू कर सकता है, तू चाहे, जैसे कोड़ी ने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। क्योंकि अगर हमारे प्रभु ने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उस मौत के प्याले को पिया, हाँ इतने बड़े हालात को अपने ऊपर लिया, तो हम चंद बारिश की चार शीटें ऊपर नहीं ले सकते, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर उसने उस मौत के प्याले को, इतने बड़े दुख को अपने ऊपर ले लिया, तो हम चंद बारिश की शीटें आ जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी। पर ऐसे नहीं कि मैंने प्रार्थना की प्रभु ये तो बारिश आ गई, ओ ये तो नुकसान हो गया। कितनी बार कितना नुकसान हुआ, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार, ये पूरा टेंट फट गया, कितनी बार दोबारा से सलाया, फिर से कितनी, एक दो बार, तीन बार नहीं, कितनी बार ये हुआ। बोलो क्या है? और एक भी बार नहीं, अभी भी देखो कुछ पर्दे देखो हवा से कैसे वो पूरे क्या हो चुके, हाँ ये अभी सब ने, आपको बता ये पर्दे सब नए सलाए हमने, क्या सलाए, सब नए पर्दे, पर इनकी हालत भी क्या हो गई। अभी हमारे पास शत नहीं है, क्या नहीं है, शत नहीं है। पर ऐसे मैं ये विश्वास करता हूं कि हाँ परमेश्वर तू चाहे, हाँ बोलो क्या चाहे, तू चाहे तो, पर हमने हमेशा किसकी इच्छा, किसकी मर्जी में रहना है। बोलो किसकी इच्छा, किसकी मर्जी में रहना है, किसकी इच्छा में। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं, उसकी मर्जी में पूरा रहते हैं, खुदावंद वो करता है जैसे बाइबल में लिखा, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मन के चित में चढ़ी नहीं, उसने वो बातें, वो चीजें अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार रखी है। हम विश्वास से, बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, किसे जिएगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम जिएंगे, हम ये नहीं है कि बारिश आ गई है, हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मन खराब करें। हम क्यों खराब करें मन, जब वो खुदावंद हमें कह रहा है मत डर,
मत घबरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम क्यों डरे, क्यों घबराए? हाँ, बारिश आ गई, मौसम ऐसा हो गया, समझ हो? अभी ये जो स्टेज की छत है, ये भी जब भवन शुरू किया, ये जो जगह के पर हमने सत्संग शुरू किया था, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। बोले क्या नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जिस जगह पे हम पहले थे वहां पे हमने बस में भी साल डेढ़ साल वहां पे हमने खुदा की हजूरी जब शुरू की, वहां पे संगति की, कम से कम वहां पे 4.5 लाख रुपया लगा। हमने डेढ़ साल में वहां पे मुश्किल हो गया, जगह कम पड़ गई और फिर हमें यहां पे आना पड़ा। और इतनी जल्दी लोगों के पास भी इतना नहीं था, दे नहीं पाए जल्दी जल्दी। बोलो क्या है, जल्दी जल्दी वो दे नहीं पाए। और जब ये भवन बनाया तो हमारे पास पैसे कम थे, इसलिए हमने ये जो शक्ति बस एक त्रिपाल की डाली थी। हाँ, त्रिपाल मतलब समझ लेना, उसकी डाली थी। और एक बार मुझे याद है, ये हवा से, जब भी हवा आती थी ये पूरी ऊपर रात भर जो जहाँ पे बच्चे रहते थे वो पूरी रात इसे पकड़ने में लगे रहते रस्सियों को खींचने के लिए। एक बार ये पूरी छत पूरा टूट गया, बहुत नुकसान हुआ, ये दीवार गिर गई पीछे की। अगर वो ना गिरती, सुनो, अगर ये नुकसान ना होता, वो दीवार ना गिरती, तो ये जो अभी खुदा ने अरेंजमेंट किया है, इसको पक्का बनाया है। अब जितनी भी बारिश आए, क्योंकि हमारे पास अभी इतने रूम नहीं है, यहाँ पे 10 लोग 15-20 लोग सो सकते हैं, इतनी बड़ी स्टेज है, सारा साउंड का सामान पड़ा रहता है, माइक काफी सामान पड़ा रहता है। इसलिए जब भी नुकसान होता है हमेशा हमारी बढ़ोतरी के लिए होता है। आमेन, हालेलुया। पर अगर आप आत्मिक हो तो आप समझोगे, अगर आप शरीर में हो तो आप सोचोगे नुकसान हो गया। बोलो, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। अगर आप आत्मिक हो तो आप थैंक्स दोगे, नहीं प्रभु आप मेरे साथ हो, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है। अगर आप शरीर में हो तो बोलेंगे ये नुकसान हो गया प्रभु, नुकसान हो गया। हाँ, अरे परमेश्वर हमेशा हमारे अच्छे के लिए करता। हमने संडे गवाही सुनी उस सिस्टर की, जो मोगे की, जस्सी की, सुनी ना सबने। तो जब वो इंडिया से सिंगापुर गई तो यहां पे उसे काम मिला, खुदा ने अच्छा इंतजाम किया, पर खुदावंद लेकर गया, पर शैतान को वहां पे जलन हुई, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बड़ा मन बना के गई, इस भवन के लिए। क्या गई? भवन के लिए बनाकर गई मन, क्योंकि ये जगह रेंट पे है। खुदावंद हमें अपनी खुद की दे, परमेश्वर से लेकर गया, उसका कुछ भी खर्च नहीं हुआ। पर वहां पे शैतान को जलन हुई और उसने वहां पे भी मुसीबत खड़ी कर दी। बोलो क्या कर दी? अब वो जिस यहां पे वो रुकी है, वो घर वाले बोल रहे हैं कि अपना दूसरी जगह इंतजाम करो, नहीं तो आप क्या है, आपको वापस जाना पड़ेगा। वो उदास हुई, हाँ मैं तो बहुत चाह से आई थी, हाँ तो मैंने उत्साहित किया। बोलो क्या, मैंने भी प्रार्थना की, उसने विश्वास किया और खुदावंद ने अच्छा इंतजाम किया और फिर से दूसरी जगह उससे ज्यादा पैसे की नौकरी मिली, जॉब मिल गई। पर वहां पे भी शैतान को जलन हुई, अब ज्यादा होगी, वहां से भी क्या किया उसने, क्या किया वहां से भी उसे, उसके जीवन में उसने कांटे बोए। हाँ, वो भी जॉब शूट की, अब और उदास है, अब तो कोई आस की उम्मीद नहीं लग रही। पर खुदावंद ने उस जगह पर लेकर गया जहां पे मोर ब्लेसिंग तैयार थी, यीशु मसीह के नाम से। आपको भी ऐसी उसी रीति से, अगर आप आत्मी को उसके साथ आत्मा में जी रहे हो तो फिर वो ऐसे करेगा। अगर आप शरीर में हो तो फिर आप मन खराब करोगे, आगे पीछे करोगे, कई चीजें अपनी बुद्धि लगाओगे, हाय ये वो, खुदावंद के नियम से बाहर चलोगे। हाँ, उसके नियम से बाहर जाओगे, उसके नियम में नहीं रहोगे। पर अगर आप स्पिरिट में, आत्मा में,
तो आप समझोगे। इसी लिखा परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ वो क्या चाहता। आमीन, बोलो क्या है? परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ वो क्या चाहता है। जो वो चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, बोलो क्या है? जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारी लिखा, अब वो अजहा समर्थी है। अफिसो 3:20 में लिखा, अब वो अजहा समर्थी है जो तुम सोचते और मांगते हो वो उससे भी कई गुना क्या करता है, कम करता है कि ज्यादा करता है? ज्यादा करता है कि कम लिखा है? कम लिखा के ज्यादा करता है। पर कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, नहीं नुकसान हो गया, क्या हो गया? नुकसान हो गया, नुकसान नहीं। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का नुकसान नहीं करता। उसकी चाहत क्या, मेरे लोग कौन सा जीवन जिए? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? वो कौन सा जीवन लेकर आया? कौन सा जीवन लेकर आया? लिखा है कि नहीं है? कौन सा जीवन लेकर आया? बहुतायत का, चोखा। लिखा, हमारे लिए वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। क्या हो जाएं? हम धनी हो जाएं। तो हमारे लिए वो जीवन लेकर अच्छे के। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के लिए बुरा नहीं करता, कभी भी उनका नुकसान नहीं करता। पर कभी कभी हम शरीर में होते हैं तो हमें लगता नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने खुदावंत के एक दास की गवाही को सुना, उसका जो बिजनेस था, वो काम था, उसका एक गोदाम था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसी चीजों का उसका बिजनेस था। जब वो प्रभु में आया तो उसका लाखों रुपए का गोदाम चल गया, लाखों का भाई, लाखों का नुकसान हो गया। उसने एक बार भी अपने मन में ऐसे नहीं कहा कि मेरा नुकसान हो गया, उसने मन खराब किया, अब मैंने प्रभु तेरे, मैंने नहीं, मैं वो क्योंकि वो उसने सेवा शुरू की। जब शुरू में सेवा शुरू की, क्या की? जब उसने शुरू में सेवा शुरू की तो उसने ऐसे मन नहीं कराया, प्रभु मेरा नुकसान हो गया, मैंने नहीं अब तेरी सेवा करनी, मैंने नहीं तेरा धन्यवाद करना, मैंने नहीं अब चर्च जाना, मैंने नहीं सेवा करनी। वो जानता था, क्योंकि जो आत्मिक है, जो व्यक्ति, उसे पता है। परमेश्वर कभी भी गलत करता? परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसान करता? क्योंकि नुकसान कौन करता है? बोलो कौन करता है? परमेश्वर कभी नुकसान करता है? इसलिए हम हमेशा खुदावन की मर्जी में, उसकी इच्छा में जीते हैं और कभी किसी बात के लिए मन नहीं खराब करते। मैंने भी आज तक ऐसे नहीं किया, हमेशा के लिए मैंने थैंक्स गिविंग किया। जब भी नुकसान हुआ, पैसे का हुआ, कई चीजों का हुआ, मैं थैंक्स गिविंग, धन्यवाद दिया। जितना मैंने ऐसे किया, मैंने देखा कि परमेश्वर ने उतना ही अच्छा किया और आगे आगे लेकर गया। वो आपको भी, आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। आमीन, हालेलुया।